नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता। मध्य प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में फंसे 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। पूरे 84 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शनिवार सुबह 6 बजे तन्मय को बोरवेल से बाहर निकाला गया है। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने जांच के बाद तन्मय को मृत घोषित कर दिया। मौत की पुष्टि जनसंपर्क अधिकारी एसके तिवारी ने की। बेटे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। अब शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, इसके बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। बता दें, मंगलवार की शाम 5 बजे 8 साल का तन्मय दोस्तों संग लुक्का छिपी खेल रहा था। खेलते खेलते 400 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा था। घटना के बाद से एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग सहित 250 से ज्यादा लोग मांडवी गांव में रेस्क्यू में जुटे हुए थे। आपको बता दें कि 400 फीट गहरा बोरवेल नानक चौहान नाम के किसान के खेत पर था और 2 साल से बोरवेल बंद था। जब तन्मय उनमें गिरा तो उस दौरान वह 55 फीट की गहराई पर जाकर फंस गया था। रेस्क्यू के दौरान रस्सी से तन्मय को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ ऊपर आने के बाद प्रयास असफल हो गया। तन्मय 38 फीट की गहराई पर जाकर अटक गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू के लिए बोरवेल में करीब 30 फीट की दूरी पर बराबर गड्ढे की खुदाई की गई। शुरुआती में 46 फीट की खुदाई करने के बाद 10 फीट हॉरिजेंटल खुदाई की गई थी। जानकारी के अनुसार रेस्क्यू टीम सुबह 3 बजे के करीब बच्चे तक पहुँच गयी। सुबह 5 बजे जैसे तैसे मासूम को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल में शव को ले जाया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें आप जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।